हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं ट्रेन का सफ़र करने के लिए जा रही हूँ, और कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं, स्लो स्पीड ट्रेन ऑफ चाइना फ्रॉम शंघाई टू सुचौ। तो दोस्तों, सफ़र को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे चाइना में रहते हुए ऑलरेडी 7 साल हो चुके हैं, लेकिन ये मेरा पहली बार है कि मैं चाइना में रहते हुए स्लो स्पीड ट्रेन में सफ़र करने जा रही हूँ। मैंने कई बार फास्ट स्पीड ट्रेन, मागलेव ट्रेन में सफ़र किया हुआ है, बट इस बार सोचा कि चलो कुछ नया एक्सपीरियंस लिया जाए और अपनी जर्नी को थोड़ा सा एडवेंचरस बनाया जाए, देखा जाए कि स्लो स्पीड ट्रेन के अंदर का माहौल कैसा होता है, किस तरह की सीट होती है, किस तरह के लोग होते हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है, एक भी कोई सीट खाली नहीं है बैठने के लिए। तो मुझे वहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक खड़े रहना पड़ा अपने बैग लगेज के साथ में, जब तक कि मेरी ट्रेन नहीं आई। मैंने चूज़ किया था हार्ड सीट का ऑप्शन। मैंने कहा चलो यार, गद्दे में सो के तो कई बार हमने ट्रेन में सफ़र किया हुआ है, आज देखते हैं कि चाइना की जो हार्ड सीट वाली ट्रेन होती है वो होती कैसी है। तो दोस्तों, बस मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पे उतरी तो मैं देखा इतनी सफाई, माय गॉड। मैंने एक्चुअल में इमेजिन किया था कि शायद थोड़ी तो मुझे कहीं गंदगी मिलेगी, कुछ तो मिलेगा जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, जो कि फास्ट स्पीड ट्रेन स्टेशन पे होता है एकदम नीट एंड क्लीन। बट यहाँ पे सब कुछ वैसा था, नॉर्मल एकदम। बस जो ट्रेन का कलर था वो ग्रीन एंड येलो कलर का था। अब आप देख सकते हैं विंडो के अंदर से कि ये जो सारे हैं, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर और वो सारे कोचेज हैं। बट मेरा जो है ना, वो थोड़ा रिस्की है। मैं जा रही हूँ एकदम लोअर क्लास में, एकदम जो हार्ड सीट है। देखते हैं वो हार्ड सीट होती कैसी है। बट हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी जो टाइम चल रहा है, आप सबको पता है पैंडमिक का टाइम चल रहा है, राइट? और अभी इस टाइम पे दोस्तों, शंघाई में कुछ कुछ केसेस निकले हैं ओमिक्रॉन वायरस के, उसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फॉरेनर नहीं है, क्योंकि कोई भी अभी इस टाइम पे नहीं सोच रहा है कि ट्रैवलिंग करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं ही एक नमूनी हूँ यहाँ पे, जो कि अभी घूम फिर रही है पूरे प्रिकॉशंस के साथ में। बाय द वे, मैंने अपना न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवा लिया था और वही मुझे शो भी करना पड़ा। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपने कोच के अंदर और देखती हूँ कि कैसी है मेरी सीट।来，让我这是谁讲？
दोस्तों मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर आ चुकी हूँ। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं अभी छपरे के नीचे खड़ी हूँ। अपने आप को सुरक्षित करके रखा हुआ है, मेरे पास बैग है और टैक्सी बुक करती हूँ और उसके बाद अपने होटल में जाती हूँ। मैं और बहुत जल्दी मैं अपने होटल में पहुँचने वाली हूँ, तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड जस्ट कीप वॉचिंग कि मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। सोचा हूँ मैं और अपने होटल टूर का, जो मैंने पहले प्रॉमिस किया था लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। और इतनी लाइट मेरे फेस पे क्यों आ रही है, वो इस फ़ोन की वजह से आ रही है, क्योंकि जो GoPro कैमरा है वो आपको पता होगा कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, मतलब कि एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी आपको।